नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी गौतम गौतम कलेक्शंस में आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम जा रहे हैं त्रावड़ी, जिसका प्राचीन नाम था त्राइन, ठीक है, करनाल के नजदीकी है। और यहां पर 1191 में और 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोर के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है जी। 1191 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और 1192 में मोहम्मद गोर ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो त्रावड़ी के अंदर या त्राइन के अंदर पृथ्वीराज चौहान जी का किला है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आज वो किला किस हालात में है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज त्रावड़ी की यात्रा पर। तो साथियों, आज मेरे साथ है प्रवीण सर, मैं और प्रवीण सर दोनों मिलके त्रावड़ी जा रहे हैं और आज हम एक्सपोज करेंगे पृथ्वीराज चौहान जी का किला किस हालात में है। तो हम निकल पड़े हैं करनाल से, ये जर्नी हम आपको दिखाते रहेंगे शॉर्ट वीडियो में। और दोस्तों, अब हम त्रावड़ी पहुंच चुके हैं और यहां से देखते हैं हम लेफ्ट में जाने के लिए। आज वैसे तो त्रावड़ी पहले गया हूं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी का किला आज तक देख नहीं पाया, भूत मन था मेरा काफी टाइम से। तो आज वो दिन आ ही गया कि जब मैं अपनी इस महान विरासत को देखने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको दोस्तों ये ब्लॉग जरूर पसंद आएगा। वो त्राइन के जो त्राइन के नाम से फेमस है, मतलब त्रावड़ी त्राइन के नाम से फेमस है और किताबों में भी त्राइन का युद्ध ही बताया जाता है। अच्छा, त्रावड़ी को पहले त्राइन बोला जाता था। वो सामने जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल नजदीक पृथ्वीराज चौहान जी के किले के पास। तो दोस्तों, एट लास्ट हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और ये पृथ्वीराज चौहान जी का किला है। आप देख सकते हैं, आज पूरा दिल खुश हो गया मेरा, काफी सालों से मैं सोच रहा था यहाँ पे आने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अब पूरी कॉलोनी कट चुकी है। यहाँ पे जो पाकिस्तान से विभाजन के समय लोग आए थे वो यहाँ पे रहते हैं, तो आप देख सकते हैं। सर जी, कुछ बताओगे पृथ्वीराज चौहान किले के बारे में? भाई, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे को तो इतना नॉलेज भी नहीं, बल्कि पीछे में है सब कुछ जी। आप ऊपर चले जाओ जी। ऊपर कहाँ से, ऊपर कहाँ से जाएंगे? आयो, आयो।
तो दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ, आज हम अपनी एक महान विरासत को एक तरह से सहेजने आए हैं। धन्यवाद सर जी, ये तो आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। ये पूरा एरिया आप कवर कर लो इसका जी, ये सब पूरी प्रॉपर्टी के वो चार गुम्मत है, दो रह गया। अच्छा जी, ये पिथौरागढ़ के किले के है सर जी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, पिथौरागढ़ चौहान का है जी, वो हमारे पार्षद साहब का घर है। ठीक है सर जी, साहब का जी जी जी। और ये सारा पूरा किले की जहाँ आप खड़े हो ना जी जी, पूरा किला यहीं से कवर हो जाता है। ठीक है सर, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपका गेट है, मुख्य गेट। ये बंद हो गया ना भैया इसका रास्ता? जी जी, ये तो आपको मैं ऊपर ही लेके चलता। अच्छा सर, ये बंद कर दिया गया है? ये टूट गया। दोस्तों देखिए, जो पृथ्वीराज चौहान जी थे वो आमेर के राजा थे और फिर वो बाद में दिल्ली के राजा बने। ठीक है, अंगपाल तोमर जी उनके नाना जी थे और अंगपाल तोमर जी के बाद दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान जी बने। हरियाणा भी उनके अंडर था, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। ठीक है दोस्तों, और कुछ हिस्सा आपका यूपी का, वो आपके टेरिटरी में था पृथ्वीराज चौहान जी की। मतलब टोटल एरिया ना जो? जी सर, बिल्कुल पॉइंट पे खड़े हो आप जी, कहीं पे भी उसमें भी जाने का रास्ता नहीं है उसमें। हाँ, डैमेज हो गया भैया, बैक साइड में चले जाओ आप। हाँ जी, आप लोग यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? मेरे को तो मेरे जन्म ही का 34 साल हो गई। मैंने 34 साल का, मैं 34 साल का हूँ, तो पुराने बुजुर्ग रहे हैं हमारे यहाँ पे जी। सर जैसे बताया जाता है कि जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जब पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे तो वो यहीं पे आगे बस गए थे? हाँ जी। आप भी सर में से? मैं तो मतलब हूँ तो मैं पंजाबियों में से। जी जी जी। तो मेरे दादाजी ने, आपके दादाजी आए थे यहाँ पे? मेरे दादाजी। अच्छा जी, यहाँ पे सर नॉर्मली जत्रावड़ी की जनसंख्या कितनी होगी आपके साथ? बहुत तो इस किले की बताऊं? हाँ जी, किले की बता दीजिए। 1500 350 घर है इसी में। 350 घर दोस्तों यहाँ पे? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं 1500 के करीब यहाँ वोटिंग होती है, 900-1200 पोलिंग होती है। अच्छा जी, सर आपका नाम क्या है? अमित मदान। अमित मदान, सर आप करते हैं? जी जी, मैं गाड़ी गाड़ी चलाते हैं। तो ये अमित जी, और इन्होंने हमें बताया कि आप यहाँ से पूरा लुक देख सकते हैं, है ना जो हरीश मदान। अच्छा जी, वो यहाँ के जी। अच्छा जी, छोटे भाई। अच्छा जी, बाकी आप पिछली साइड जाओ जी जी, पीछे पूरी बाउंड्री है, मैं पूरा लेवल आपको। चलो सर, आज मैं पहली बार आया हूँ, बहुत खुशी से आपसे मिलकर। आओ आओ, कोई बात नहीं, आया करो। और क्योंकि सर देखो करनाल के तो पास में, और मैं पहली बार आ पाया हूँ तो बड़ी खुशी हुई मुझे। देखो वैसे तो हम अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब आप अपना इतिहास पढ़ते हैं तो गर्व की भावना आती ही है जी। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको, थैंक यू सर। बड़े बड़े तो दोस्तों ये दूसरा गेट है पीछे की तरफ, वो जो आपको भी दिखाया था वो सामने वाला गेट था। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे लोग रह रहे हैं काफी सालों से। और दोस्तों ये खंडर में तब्दील हो चुके हैं। डिजाइन दोस्तों बिल्कुल सेम है जो सामने गेट था और जो ये गेट है पीछे वाला, डिजाइन दोनों में सेम है, आप देख सकते हैं। अपने समय में दोस्तों काफी खूबसूरत रहा होगा और आप अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी का नाम इतिहास में पूरे गर्व के साथ लिया जाता है।
अगर एक दो गलतियां पृथ्वीराज चौहान जी से नहीं होती तो आज हमारे भारत का इतिहास कुछ और ही होता। आपको बता दूं, पृथ्वीराज चौहान जी के बाद भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी सर। तो प्रवीण जी, यहाँ पे 1192 के बाद गुलाम वंश की स्थापना हो गई थी। हाँ जी, ठीक है सर। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के पहले सुल्तान थे। दोस्तों आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, चलिए आपको थोड़ा घुमा देते हैं। पहले जी सर, ये जो बनाया हुआ है इन्होंने, जी जी, हाँ जी, अब तो लोहे से बनते हैं, पहले इंटो से देखो। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। अपने समय में, अपने समय में सर ये बहुत खूबसूरत रहा होगा, है ना? ना प्लास्टर है, ना वो। जी 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 दोस्तों, ये एक तरह से बेल्ट, लास्ट बेल्ट है किले की, और इसको सिलेक्शन की जरूरत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ASI से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, और प्रशासन से, हरियाणा के प्रशासन से, कि अपनी इस महान धरोहर को ऐसे ही वो ख़त्म न होने दे, खंडर न बनने दे, इसको संरक्षित करें। और हम लोगों का भी ये दायित्व है सर कि हम इनको संरक्षित करें। अगर हम यहाँ आते जाते रहेंगे देखने के लिए फिर तो। जी, अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे शूटिंग हुई थी लाल लाल रंग की सर, लाल रंग मूवी की। जी 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 सर, 1191 का जो युद्ध हुआ था ना, हाँ जी, उसमें पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे। अच्छा। लेकिन ठीक अगले ही साल गौरी ने फिर अटैक कर दिया। हाँ जी। और पृथ्वीराज चौहान जी को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी दोबारा अटैक हो जाएगा। और इस युद्ध में, 1192 के युद्ध में जो हार हुई पृथ्वीराज चौहान जी की, उसमें एक अहम कारण ये भी था कि उनको जो आसपास के राजा थे उनसे कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। आप ये देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है। और जो अटैक किया गया गोरी की तरफ से, वो रात के टाइम किया गया सर, ठीक है, जिसमें हमारी सेना सो रही थी उस समय ये अटैक किया गया, क्योंकि उनको पता था कि जो भारतीय है वो रात में युद्ध नहीं लेते सर। हाँ, और सोते सोते एक तरह से हमारे योद्धाओं को काटा गया था, ये इतिहास बताता है। और पृथ्वीराज चौहान जी को अंत में जब वो उन्होंने पकड़ लिया था पृथ्वीराज चौहान जी को, फिर वो गजनी ले जाया गया। कुछ जो इतिहासकार है वो बताते हैं कि वो गजनी ले गए थे, कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि वो गजनी नहीं ले गए थे, लेकिन कुल मिला के उनको गजनी ले जाया गया, जहाँ पर उनका जहाँ पर उनकी हत्या की गई। नमस्कार भाई साहब, ठीक हो? बढ़िया बढ़िया कैसे जी? एक सर ये भी बताया जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान जी को गजनी ले जाया गया सर, प्रवीण सर, तो उस समय जो चंद्रप्रदाई थे वो कश्मीर में थे। तो चंद्रप्रदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में लिखा गया है, तो पृथ्वीराज चौहान जी से मिलने चंद्रप्रदाई गजनी गए। और जब उन्होंने गौरी को बताया कि पृथ्वीराज चौहान जी को शब्द वेदी बाण विद्या आती है, कि वो आवाज़ सुनकर, शब्द सुनकर तीर चला सकते हैं, तो गौरी हंसे इस पर कि ये असंभव, ऐसा होता ही नहीं है। तो सर उन्होंने कहा कि आप, हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है। तो सार्वजनिक सभा बुलाई गई एक मैदान में, वहाँ पे गजनी में, तो गौरी ऊपर बैठे थे, ठीक है जी। तो चंद्रप्रदाई ने एक दोहा पढ़ा, और दोहे के माध्यम से पृथ्वीराज जी को उनकी लोकेशन बताई गौरी की, ठीक है सर। तो जब वो बताई, उसके बाद उन्होंने कहा कि गौरी को आप कुछ बोलिए, और गौरी ने फिर कुछ कहा पृथ्वीराज चौहान जी को, और पृथ्वीराज चौहान ने उस आवाज को सुन के तीर चलाया, और वो तीर उनके आर पार हो गया गौरी के, और गौरी की डेथ हुई। ऐसा भी कुछ इतिहासकार बताते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार इस थ्योरी को नहीं मानते। जी 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 सर, अगर उस समय
जो आसपास के राजा थे वो पृथ्वी चौहान जी की हेल्प करते, तो दोस्तों चौहान जी जीतते और हमारे देश का नक्शे कुछ और होता। दोस्तों जब हम यहाँ पे किले में घूमने आए पृथ्वी चौहान जी के, तो यहाँ पे कुछ बुजुर्ग मिले, उन्हीं में से एक है बंसीलाल जी, इनसे जानते हैं, इनका जीवन यहीं पे बीतता है। तो दोस्तों इनसे जानते हैं कि ये कब यहाँ पे आए और वो क्या क्या याद है। सर जी नमस्कार। सर हमारे चंद्र पापा का स्वागत है सबसे पहले तो। और जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जब आपको मतलब बचपन की क्या याद है, यहाँ पे कौन आया था किले में या फिर त्रावड़ी में, आपकी क्या क्या याद है यहाँ से जुड़ी हुई, इस किले से जुड़ी क्या क्या याद है आपकी बचपन की, क्या क्या याद है? याद है भी यहाँ आए थे जी जी, फिर ये खाली पड़ा था, जंगल था, यहाँ पे जंगल था जी, जंगल था अंदर। अच्छा जी, जंगल अंदर घास खाते थे, अंदर बाहर के अंदर। अच्छा जी, दोपहर शाम को काट के ले। अच्छा जी, जंगल था फिर जब ये हम लोग आए यहाँ, अंदर साफ कराया जी जी, फिर मकान बनाया जी ये कराया। हाँ जी, फिर एक वजीर आया था, कारजू वजीर था, वो आया था लिखा करा है ना कारजू नगर जी जी जी, एक वजीर आया था। अच्छा, उसने 1,00,000 रुपया दिया था, वो आगे आके मकान पीछे से कोट की दीवार के मकान आए। हाँ जी, आगे आगे एक मकान बना हुआ है। अच्छा जी, हाँ मतलब कि जी जब आप लोग आए यहाँ पर दूर दूर तक कोई बसावट नहीं थी ना, जंगल था, जंगल था, ये बाहर भी जंगल था। अच्छा जी, बाहर भी जंगल था, बाहर भी जंगल था, पेशेंट से आला ना, कोई टीम नहीं, पेशेंट से आला। हाँ जी, किसी गड्डी की सिर्फ बस मिट्टी के टिल्ले बने हुए थे, टिल्ले का तो यही हाल है, ठीक है जो मैं बताया ना जी। मतलब आपको पूरा जीवन यहीं पे बीतता सर। और दोस्तों इसमें हमारे साथ हैं हरीश मदान जी, जो पेशे से सिक्योरिटी हैं और यहाँ के MC हैं, म्यूनसिपल काउंसिलर। दोस्तों इसे जानते हैं कि इस समय यहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, पॉपुलेशन कितनी है और पहले के और अब के समय में कितना चेंज आया है। तो हरीश जी आपका स्वागत है गौतम कलेक्शन के। नमस्कार जी। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आप अभी MC हैं तो यहाँ की क्या क्या परेशानियाँ हैं और आपके आने के बाद आपके क्या क्या परिवर्तन आए? अभी तो फिलहाल मुझे पार्षद बने 2 से 3 महीने हुए हैं जी जी जी। परिवर्तन तो देखो ऐसा है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें एक तो बोलते हैं ना गोड विष्णु भगवान की तरफ से हमें एक 4 दीवारी मिली हुई है सेफ्टी के लिए जी जी जी। उसके 2 गेट हम ये मेन गेट है। अच्छा जी, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी के लिए अभी देखो चौकीदार का प्रबंध करवाने वाले हैं 2-4 महीने में। हाँ जी, लेकिन उससे पहले हमने इसके दोनों कैमरे जी 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 जी, पहले इसके चारों के चारों जो ग्राउंड थे वो बिल्कुल खाली थे जी। ये सरकारी स्कूल भी है जी जी। मेन बात है इस किले के अंदर आपको सभी फैसिलिटी, सरकारी स्कूल भी है जी जी, गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है जी, पार्क भी है, सारी फैसिलिटी है जी जी। हरीश जी जैसे कि आप लोगों का जन्म कैसे हुआ, आपको होगा तो आपको कैसे अनुभूति होती है इस किले के अंदर रहते हुए? गर्व महसूस होता है कि एक तो हम एक मुस्लिगल कॉलेज में रह रहे हैं, ऊपर से सारे के सारे ये योद्धा हैं जी, किले के अंदर सारे के सारे योद्धा हैं जी, हर सारे सुख दुख में एकदम साथ खड़े होते हैं जी, तन मन धन जी सर। अच्छा हरीश जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, सरकार इनको संरक्षण के लिए, इस किले को संरक्षित करने के लिए क्या क्या उपाय कभी आते हैं? हम लोगों ने एक नगर पालिका के अंदर हम लोग आते हैं, हमने एक आवाज़ उठा रखी है किले की मुरम्मत के लिए। हाँ जी, नगर पालिका डाउन में है कि भाई पुरातत्व विभाग के रिपोर्ट में। अच्छा जी, और पुरातत्व विभाग को लाइट भी रखी है, अभी वहाँ से रिप्लाई नहीं आया, अगर उसके बाद पुरातत्व विभाग जिम्मेवारी लेता हाँ जी तो सरकार के थ्रू ठीक कराएंगे। हाँ जी, नहीं तो फिर नगर पालिका के पास जाएंगे तो नगर पालिका फिर सरकार के थ्रू ठीक करवाएगी, तो मीडिएटर चाहिए या वो पुरातत्व विभाग बने या नगर पालिका। ठीक है सर। और सर जैसे कि हम कई बार सुनते हैं कि जो काम सरकार को करना चाहिए किले के लिए, क्योंकि 800 साल कम से कम पुरानी आपके एक धरोहर है, वो उन्होंने प्रयास नहीं किए, तो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं इसके लिए? नहीं, यहाँ के लोग बहुत मेहनत करते हैं, अपनी तरफ से चंदा इकट्ठा करके अभी पिछला गेट है उसकी मुरम्मत करवाई है। अच्छा जी, पिछले गेट की मुरम्मत कर दिया है, पूरे किले वालों ने चंदा इकट्ठा करके मुरम्मत कराई है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं सब लोग यहाँ पर मेहनती है जी जी भाई, 50 पैसे सरकार दे, 50 पैसे हम लगा दें, हमारा किला बढ़िया बन जाए जी जी, हम तो तैयार है, लेकिन सरकार का हमें साथ दे। तो मैं फिर से सरकार से अनुरोध करूँगा कि जो प्रशासन हमारा उससे भी अनुरोध करूँगा कि ये हमारी प्राचीन हो रहा है, हमारे राजाओं की योद्धाओं की प्राचीन हो रहा है, इसको संरक्षित किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो 50-100 साल बाद हम अपने संतानों को क्या दिखाएंगे,
हम उनको दिखाने के लिए वापस कुछ हो गई हमारी सेफ्टी है, हमारी सेफ्टी खत्म हो जाएगी। चार दीवारी है जी, बिल्कुल सेफ्टी है, वो सबसे अच्छी जगह पे है। मां कन्या को इसको बगड़ा में पकड़ा है। हां जी हां जी, तो दोस्तों आप मैं चल जाऊंगा। हर इस चीज के बाद हम सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है। आप देख सकते हैं इनका ऑफिस है सामने। सर हमेशा आपसे एक अंतिम सवाल है, जैसे आप 5 साल रहेंगे तो आपने कुछ सोचा है कि इस किले के लिए, क्योंकि हम किले की बात कर रहे हैं, आप क्या क्या सोच रहे हैं इस किले के लिए सुरक्षित करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर में है लोगों को सुख दुख के लिए। जी जी, अभी उसकी कार्रवाई 80% कम्प्लीट हो चुकी है, 20% रह गई है, उसकी निशानदेही वगैरह होनी है। कम्युनिटी सेंटर बन जाएगा, चमकीदार हो जाएगा और किले के दोनों गेट रिपेयर हो जाएंगे। और जो पूर्व पार्षद हमारे रहे हैं श्री आत्म प्रकाश जी, उन्होंने भी बहुत कुछ हमें दिया है, जो कमी रह गई है उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत खुशी का दिन मेरे लिए, मैं कई सालों से सोच रहे थे यहाँ पे आने के लिए, और यहाँ पे हमें हरीश जी मिले और बुजुर्ग भी मिले, कुछ जैसे उन्होंने बताया। तो हरीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान के लिए आप अच्छे से अच्छे कार्य करें। थैंक यू सर। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और प्रवीण जी इस ब्लॉग को बनाते हुए मेरे साथ रहे। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में हम किसी ऐतिहासिक दौर का दौरा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ब्लॉग खूब पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।